हे गाइस, स्वागत है आपका हमारे इस ब्लॉग में। मैं हूँ सालू और आज जो है हम आ चुके हैं दिल्ली के गुरुद्वारा में। यहाँ पे आप जैसे कि देख सकते हो कि गुरु नानक जयंती के अवसर पे यहाँ पे कितनी ज्यादा भीड़ लगी हुई है। अक्सर यहाँ पे भीड़ देखने को मिलते हैं, लेकिन आज जो है वो सिखों का जो है महान जो फेस्टिवल है जिसका नाम है गुरु नानक जयंती, उसके अवसर पे जो है वो लोग कहाँ कहाँ से यहाँ पे जो है आज जो है मत्था टेकने आए हुए हैं। देख सकते हो यहाँ पे कि इस गुरुद्वारों को कितनी जो है कितने अच्छे तरीके से सजाया गया है, एकदम दुल्हन की तरह। और जो है आज इस ब्लॉग में आपको काफी ज्यादा जो है वो मजा आने वाला है, और जो है हम कुछ झलक जो है इस आज के दिन पे भी डालेंगे कि आखिर क्यों मनाया जाता है गुरु नानक जयंती। तो चलिए हम सबसे पहले जो है यही देख लेते हैं, इसके बाद जो है हम इस वीडियो में आपको काफी ज्यादा जो है इंटरेस्टिंग चीजें जो है हम आपको दिखाने वाले हैं इस दिल्ली के गुरुद्वारा के बारे में। तो जैसा कि आप देख सकते हो कि हमने ये फुटेज जो है आपको दिल्ली के गुरुद्वारा का है, और जो है ये कितना ज्यादा जो है वो खूबसूरत लग रहा है। तो सबसे पहले हम ये देख लेते हैं जो है गुरु नानक जयंती आखिर मनाया क्यों जाता है। तो आपको जैसे कि पता होगा कि कार्तिक मास की अमावस्या को जो है वो दिवाली मनाई जाती है, और उसके जस्ट 15 दिन बाद जो है जो कार्तिक पूर्णिमा है उसके दिन जो है वो गुरु नानक जयंती मनाई जाती है। और इस साल जो है 8 नवंबर 2022 को गुरु नानक जयंती जो है वो थी। और हम आपको बता दें कि गुरु नानक जयंती आखिर मनाई क्यों जाती है। तो आपको पता होगा कि गुरु नानक जी को जो है सिख समुदाय के पहले गुरु और इस धर्म के संस्थापक भी माने जाते हैं, और उन्होंने जो है कई सारे देशों में भी अपने उपदेश दिए थे, इसीलिए उन्हें जो है नानक लामा नाम से भी जाना जाता है। और गुरु नानक देव जी ने अपनी जिंदगी को मानव समाज के कल्याण और उनकी भलाई के लिए समर्पित जो है वो कर दी थी, तो इसीलिए जो है वो गुरु नानक जयंती मनाया जाता है। और अगर हम इसका महत्व देखें तो गुरु नानक जी का जन्म होने के साथ साथ ही इस दिन लोगों की सेवा करना बहुत जो है वो जरूरी मानते हैं। साथ ही गुरु की शिक्षाओं को याद करने के लिए भी यह दिन बहुत महत्वपूर्ण माना जाता है। हम आपको बता दें कि गुरु नानक जयंती पर लोग गुरुद्वारों की साफ सफाई करने के बाद गुरुद्वारे को जो है वो सजाया कर जाता है, और इसके बाद जो है नगर कीर्तन के साथ प्रभात फेरी भी निकाली जाती है। आपको बता दें कि प्रभात फेरी गुरुद्वारे से शुरू होकर और नगर में फिरने के बाद गुरुद्वारे तक वापस आ जाती है। गुरु नानक जयंती को 2 दिन पहले से ही गुरुद्वारों पर गुरु ग्रंथ साहिब के अखंड पाठ का आयोजन जो है वो किया जाता है। इसके बाद कई गुरुद्वारों पर लंगर का आयोजन भी किया जाता है, और जो है यहाँ पे गुरु नानक जयंती पर गुरुद्वारे में जाकर जो है वो मत्था टेकते हैं और वहाँ जो है अपनी सेवा देते हैं। तो यहाँ पे जो है ये जो है गुरुद्वारे की जो है आज के दिन का जो है ये छोटा सा इतिहास है। यहाँ पे आप देख सकते हो कि दिल्ली का जो है वो गुरुद्वारा है, और इसे जो है कितने जो है क्रिएटिव तरीके से बनाया गया है। आज जो है इसकी झलक जो है हमें इस तालाब में देखने को मिलती है, और ये तालाब इसके जो है इसके बीच में है, और ये काफी ज्यादा अच्छा है। और यहाँ पे देख सकते हो कि यहाँ पे कितने ज्यादा जो है वो श्रद्धालु जो है यहाँ पे एकत्रित हुए हैं। तो आप भी जो है हम गुरुद्वारे के अंदर आ चुके हैं, और देखिए यहाँ पे कितनी ज्यादा भीड़ है। और जरूरी नहीं है, ये तो जो है सिख समुदाय के लोग का महत्वपूर्ण त्योहार तो है ही, लेकिन यहाँ पे विभिन्न समुदाय के लोग भी इस दिन यहाँ पे आते हैं, और इस दिन ना सही किसी भी दिन यहाँ पे वो आते हैं। यहाँ पे जो है गुरु नानक को लेके हमारे मन में कितनी अपार श्रद्धा है ये हमें पता ही है। यहाँ पे आप देख सकते हो कि जो है यहाँ पे कितने ज्यादा अच्छे तरीके से जो है इसे सजाया गया है, और यह जो है दृश्य काफी ज्यादा जो है वो सुंदर दिखने में लग रहा है। यहाँ पे देख सकते हो कि सारे जो है वो सर पे जो है वो रुमाल बांधे हुए हैं, और यह दृश्य जो है वो काफी ज्यादा अच्छा लग रहा है। और यहाँ पे देखिए यहाँ पे जो है लाइटिंग की व्यवस्था कितनी अच्छी है, और यहाँ पे जो है सिख समुदाय के लोग जो है वो सेवा में विश्वास करते हैं, और यहाँ जो दिल्ली का जो गुरुद्वारा है वो काफी ज्यादा जो है अच्छा है और रोमांचक देखने को यहाँ पे मिलता है।